Good morning everyone, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start with our new unit, that is transport and communication. So we'll start with the new chapter, that is chapter number 15, transportation. So all of you take out your book and open page number 90. So transportation, what do you mean by transportation? Transportation mein use hote hain aapke transport, that is your vehicles. सो जिससे कि हम सामान या फिर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. वी हैव सीन वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आर लास्ट क्लासेस ऑल्सो, लाइक एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड वॉट लैंड ट्रांसपोर्ट, और यू कैन से रोड ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे रेल्स भी चलती हैं, ट्रेन्स हो गई, अंडरग्राउंड ट्रेन्स हो गई, मेट्रोज हो गई. सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. सो लेट जस्ट स्टार्ट नाउ. द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह एक जगह से दूसरी जगह, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. सो दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू. दिस मीन्स ट्रांसपोर्टेशन. पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एवरी डे, एक जगह से दूसरी जगह हर रोज जाते हैं. दे यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स. अब आपके भी घर में सारे मेंबर्स हैं, काफी सारे मेंबर्स हैं, अलग अलग तरह के व्हीकल्स यूज करते हैं. कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, कुछ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, उनका अपना पर्सनल व्हीकल. लाइक योर फादर गोज टू ऑफिस इन कार, मे बी इन बाइक, स्कूटर, है ना, लाइक इन ऑटो. सम यूज टू गो इन मेट्रोज ऑल्सो. तो जिनकी मदर भी वॉकिंग है वो लोग कैसे जाते हैं, या कैब में, टैक्सी में, बस में, या अपनी कार ड्राइव करके मेट्रो में, बस में. सो दिस वे दे कैन कॉम्यूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नाउ यू ऑल्सो गो टू स्कूल प्रोबेबली इन द स्कूल बस और इन द कैब, टैक्सी, ईदर बाय वॉकिंग ऑल्सो. वी नो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ. सो अगर शॉर्ट डिस्टेंस है, वी शुड गो बाय वॉक ओनली. या कोई अपने दादू के साथ जाते हैं, ताऊ जी के साथ, चाचू के साथ, पापा के साथ, है ना, या ड्राइवर के साथ. इस तरीके से आप स्कूल जाते हैं, रिक्शा से, ई रिक्शा से, या फिर किस तरीके से बाइक हो गई, कार हो गई, है ना. सो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हम यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. नाउ पीपल ट्रैवल, वी सी एवरी डे अलग अलग व्हीकल्स, जैसे कि बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, बोट, हेलीकॉप्टर, ये भी कुछ ट्रांसपोर्ट्स हैं जो हम देखते हैं. लाइक सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स दैट वी यूज फॉर ट्रैवल आर नोन एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अलग अलग तरह के व्हीकल्स जो हम यूज करते हैं वो होते हैं हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. दे हेल्प पीपल टू मूव एंड कैरी गुड्स, वो लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं. द सेम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैनॉट बी यूज टू गो टू ऑल द प्लेसेस, सारी जगह जाने के लिए हम एक जैसे ट्रांसपोर्ट नहीं यूज कर सकते. लाइक हमें अपने घर के किसी नियर बाय लोकेशन पे जाना है तो वी प्रेफर स्कूटी और बाइक, या अगर कहीं दूर जाना है, फैमिली के साथ जाना है, तो डेस्टिनेशन, नंबर ऑफ मेंबर्स देखते हुए हम फिर कार में जाते हैं, वो प्रेफर करते हैं. सो द चॉइस ऑफ व्हीकल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस एंड हाउ मच टाइम वी हैव, हमारे पास टाइम कितना है. लाइक हमें किसी दूसरी सिटी में जाना है, सो बाय ट्रेन इफ इट टेक्स 10 to 12 hours, तो हम प्रेफर करेंगे बाय एयर, क्योंकि उससे हम 2 to 4 hours में पहुंच जाएंगे. सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम वी ऑल्सो डिसाइड आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर रोड ट्रांसपोर्ट. नाउ पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट इन एंशियंट टाइम्स, दैट इज पहले जमाने की अगर बात करें, जब हाउसिंग, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो लोग पैदल ही, वॉकिंग ही प्रेफर करते थे. सो दे स्पेंड लॉन्ग टाइम टू रीच देयर डेस्टिनेशन. अपने डेस्टिनेशन प्लेस पे पहुंचने तक के लिए उन्हें काफ़ी टाइम लगता था. आफ्टर सम टाइम दे बिगेन टू ट्रैवल, उन्होंने एनिमल्स यूज करने शुरू कर दिए, लाइक हॉर्सेस, डंकीज, बुल, कैमल, एलिफेंट्स, है ना, जैसे कि यू कैन सी इन द पिक्चर, बुलक कार्ट्स हो गई. तो पुराने जमाने में तो एनिमल ड्रिवन ट्रांसपोर्ट वो यूज करते थे. सो लेटर ऑन जब और व्हील डिस्कवर हुआ, किसकी इन्वेंशन हुई, व्हील की, पहिए का आविष्कार हुआ. सो जब व्हील की इन्वेंशन हुई, सो दे स्टार्टेड यूजिंग बुलक कार, एज यू कैन सी इन द पिक्चर चिल्ड्रन. ये है आपकी बुलक कार्ट्स, बैल इसे ड्राइव कर रहा है, पीछे कार्ट है, या आप बोल सकते हो हॉर्स कैरेजेस हो गए. सो पीछे की जो बग्गी है उसे कौन लेके जा रहा है, एनिमल ड्राइव कर रहा है ना. सो एनिमल ड्रिवन व्हीकल्स
उस जमाने में फिर यूज होते थे. नाउ लेटर ऑन कम टू नेक्स्ट पेज. नाउ आर डेज लेटर ऑन क्या हुआ, वेरियस व्हीकल्स. अब हम देखते हैं अपने रोड पे बड़े सारे तरह के व्हीकल्स दिखाई देते हैं, जैसे स्कूटर हो गया, मोटर बाइक हो गई, मोटरसाइकिल, कार हो गई, बस हो गई, ट्रक हो गए. तो ये सारे के सारे कहाँ ट्रैवल करते हैं, लैंड पे ट्रैवल करते हैं. सो ये सारे हुए आपके लैंड ट्रांसपोर्ट. नाउ सम व्हीकल लाइक साइकिल एंड रिक्शा, इसमें किसी इंजन की जरूरत नहीं है, तो हम अपने फिजिकल एफर्ट से पैडलिंग करके ही उसे ड्राइव करते हैं. नाउ वी सी रेल ट्रांसपोर्ट. रेल ट्रांसपोर्ट कहाँ पे चलते हैं, रेल्स पे चलते हैं, आयरन की रेल्स होती हैं, पटरियां होती है. नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर चिल्ड्रन, दिस इज ट्रेन, दिस इज ट्रैम. ये ट्रैक पे ही रोड्स, रोड पे ही ट्रैक्स बने हुए हैं. ये मेट्रो हो गई, मोनो रेल हो गई जिसमें सिंगल रेल है. नाउ ट्रेन्स आर गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आप लोग भी ट्रेन में कभी अपने दादी नानी के घर या किसी दूर सिटी में अपने रिलेटिव के यहाँ जरूर गए होंगे. सो इट इज़ वेरी फन गोइंग इन ट्रेन. सो दे कैरी मैनी पीपल ओवर डिस्टेंसेस, लंबे रास्तों के लिए काफ़ी सारे लोगों को वी सी. इसमें काफ़ी सारी वेगन्स होती है, बोगियाँ होती है, तो काफ़ी सारे लोग एक टाइम पे ट्रैवल कर सकते हैं. दे रन वेरी फास्ट, ट्रेन काफ़ी तेज चलती हैं. अलग अलग तरह की ट्रेन, जैसे कि पैसेंजर ट्रेन हो गई, गुड्स ट्रेन जिसमें सिर्फ सामान जा सकता है, शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस. ये काफ़ी सुपर फास्ट ट्रेन है इंडिया की. सो शताब्दी और राजधानी काफ़ी हाई स्पीड पे चलती हैं. नाउ मैनी अदर काइंड ऑफ ट्रेन यू सी, ट्रैम, मेट्रो, मोनोरेल. ये बिग सिटी और हमारी कंट्री में जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली, कोलकाता, इन सब सिटीज में चलती हैं. ट्रैम रन इन कोलकाता, कोलकाता में बेसिकली आपको देखने को मिलेगी. सो ट्रैम, ट्रेन, मेट्रो, दे ऑल रन ऑन रेल्स अलोंग द स्ट्रीट ऑफ अ टाउन. मेट्रो इज एन अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम, ये एक अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम है. मोनो रेल इज अ रेलवे सिस्टम इन विच अ ट्रेन ट्रैवल्स अलोंग अ ट्रैक, बट इसका सिंगल रेल होता है, इसलिए मोनो. मोनो मीन सिंगल ट्रैक होता है. यू कैन सी इन द पिक्चर, है ना, सिंगल ट्रैक है और ऊपर से सी स्टाइल में वो पूरी ट्रेन है, बट इसका सिंगल ट्रैक है जिसपे वो रन कर रही है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज योर वाटर ट्रांसपोर्ट. जो ट्रांसपोर्ट, जो व्हीकल्स, जो भी उन्होंने बनाया हुआ है, वो सब सेल कहाँ करता है, पानी के ऊपर. सो वी कैन ट्रैवल बाय शिप, दूसरी कंट्रीज में जाना चाहते हैं हम, सी रूट के थ्रू जाना चाहते हैं, समुद्रों के थ्रू जाना चाहते हैं. सो ट्रैवलिंग बाय सी टेक्स अ लॉन्ग टाइम, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है. गुड्स, ऐसा सामान जो कि काफ़ी बल्की होता है, बल्की मीन्स काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, ज़्यादातर हम सी के थ्रू, समुद्रों के थ्रू ही उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं. वाटर ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा चीप पड़ता है हमें. डिफरेंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट यू कैन सी, दिस इज़ द बोट. नदियों वगैरह में बोट ही होती है, स्टीमर हो गए, जो काफ़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ है, जैसे कि काफ़ी बड़ी वाटर बॉडीज लाइक सीज, ओशन, समुद्र वगैरह हो गए, उसमें चलती हैं आपकी शिप या लाइनर जिसमें काफ़ी सारे पैसेंजर्स बैठते हैं. यू कैन सी देर आर सो मेनी फ्लोर्स इन दैट शिप. सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, नाउ अ बोट इज स्मॉलर देन अ शिप. बोट जो होती है ऑब्वियसली शिप से काफ़ी छोटी होती है. इट इज़ जनरली यूज इन रिवर्स. Ship is a large vehicle that carry people or goods by sea. समुद्रों के थ्रू सामान और लोगों को इधर से उधर ले जाया जाता है. Steamer भी एक तरीके का boat है, और ship driven by a steam. Steam से इसे हम driven करते हैं. A large passenger ship, इसे हम बोलते हैं liner. इसमें काफ़ी सारे passenger एक time पे travel कर सकते हैं. Now, the place where goods are loaded or unloaded, अब sea. कहीं पर सी में जो शिप चल रहा है वो किसी जगह पे जाके रुकेगा, जहाँ से पैसेंजर्स उतरेंगे और वापस गेट इन होंगे या गेट ऑफ होंगे. उस शिप से उतरेंगे, जो भी सामान है वो लोड या अनलोड होगा. सो वी नीड अ स्पेसिफिक पोर्ट और स्टेशन. यू कैन सी, जैसे ट्रेन के लिए वी नीड रेलवे स्टेशन, बस के लिए वी नीड बस स्टॉप, सिमिलरली सी के लिए, सी में जो शिप जहाँ रुकता है उसके लिए हमें चाहिए पोर्ट, जिसे हम बोलते हैं सी पोर्ट. सो दिस इज स्पेसिफिकली कॉल्ड पोर्ट. So we have done, ये सारे थे आपके water transport. Now coming on to the next, that is air transport. Air transport means
वो व्हीकल्स जो एयर में फ्लाई करते हैं, यस, बर्ड्स की तरह. सो ऐसे ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली तो होते ही हैं, लेकिन ये हमें बहुत जल्दी, काफ़ी फास्ट होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही समय में पहुंचा देते हैं. नाउ एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग, काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीका है किसी भी जगह पर पहुँचने का. इट इज़ ऑल्सो द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, काफ़ी महंगा भी पड़ता है. इट कैन टेक अस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी एक कोने से दूसरे कोने में कुछ ही घंटों में हमें पहुंचा देता है. लेकिन अगर हम वही रास्ता अगर हम बाय कार, अगर रोड है तो बाय कार ट्रैवल करना चाहते हैं, या वही रास्ता हम ट्रेन से कवर करना चाहते हैं, तो हमें लगेंगे कई दिन, कई हफ्ते लग सकते हैं. सो डिफरेंट मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट यू कैन सी इन द पिक्चर, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जेट हो गया, ग्लाइडर हो गया. सो ये सारे के सारे अलग तरीके के एयर ट्रांसपोर्ट हैं. नाउ एयरपोर्ट्स आर बिल्ड, अब एयर ट्रांसपोर्ट भी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आके रुकेंगे, लैंड होंगे या टेक ऑफ होंगे. सो उस स्पेशल जगह को हम बोलते हैं क्या, एयरपोर्ट. दे आर बिल्ड फॉर द एयरक्राफ्ट टू लैंड एंड टेक ऑफ, तो वो रनवे पे रन करते हैं और टेक ऑफ कर लेते हैं फ्लाइट. सो लार्ज एरोप्लेन्स कैन कैरी 100 ऑफ पैसेंजर, एक बड़े एरोप्लेन में कई सारे पैसेंजर्स एक टाइम पे ट्रैवल कर सकते हैं, और गुड्स भी हम काफी दूर डिस्टेंस पे कम से कम टाइम पे पहुंचा देते हैं. नाउ गुड्स, फ्यूल, फूड और कुछ ऐसी चीजें विच आर लोडेड ऑन द एयरक्राफ्ट, ये सब एयरपोर्ट पे हम इजीली लोड अनलोड कर लेते हैं. अब हमें कुछ ऐसी स्पेसिफिक आइटम भेजनी है, अगर हम बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से भेजेंगे पेरिशेबल आइटम्स खाने पीने की, वो ख़राब हो जाएंगी. सो हमें कम समय में भेजनी है तो हम यूज़ करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट. नाउ वी यूज़ हेलीकॉप्टर्स टू ट्रैवल टू दोज प्लेसेस जहाँ पे एयरप्लेन जो है लैंड नहीं हो सकते, ठीक है, जहाँ पे एरोप्लेन लैंड नहीं हो सकता वहाँ पे हम हेलीकॉप्टर को भेजते हैं, वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स जाते हैं. नाउ यू सी दिस जेट, जेट इंजन ड्राइव्स अ जेट एयरक्राफ्ट, इसमें जेट इंजन होता है जो कि एयरक्राफ्ट को ड्राइव करता है, आगे ले जाता है, काफ़ी स्पीड से चलता है ये जेट. नाउ यू सी दिस ग्लाइडर, ये काफ़ी हल्का फुल्का होता है, इसमें कोई इंजन ही नहीं होता, ठीक है, विदाउट एन इंजन. तो केबल कार एंड रॉप फेज आर वेरी यूजफुल, माउंटेन रीजन्स में ये यूज होता है. सो वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और इसमें कैसे इंजन होता है, किसकी स्पीड क्या होती है, सो दे ऑल वेरी, डिफर करता है. नाउ ऑल फोर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग जगह पे ये चारों तरह के ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं. एयर ट्रांसपोर्ट इज सेफ इन एरिया वेयर देर आर हाई माउंटेन्स, वहाँ पर जहाँ पे काफ़ी ऊंचे पहाड़ होते हैं, रोड बनना मुश्किल होता है, रेल्स जाना मुश्किल होती है, वहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर कोई थिक जंगल्स है वहाँ पे. कैमल्स आर द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट्स, अब वी नो कैमल इज द शेप ऑफ द डेजर्ट, तो डेजर्ट रेगिस्तान ऐसे इलाकों में हम कैमल ही यूज़ करते हैं. नाउ पीपल कैन ऑल्सो ट्रैवल टू स्पेस इन रॉकेट्स एंड स्पेस क्राफ्ट, इसके अलावा रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट में जैसे लोग मून पे या स्पेस में जाते हैं अदर प्लैनेट्स में, तो वो इन ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं. सो क्लास वी हैव डन विद द चैप्टर, नाउ टाइम टू रिकैप्चुलेट. द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट लाइक स्कूटर, मोटरबाइक, कार, बसेस, रेल ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, ट्राम्स, मेट्रो हो गई, मोनो रेल्स हो गई. नाउ वी टॉक अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, स्पेस क्राफ्ट, है ना, जेट, ये सारे हो गए आपके एयर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट, बोट, शिप, स्टीमर एंड लाइनर. नाउ टाइम फॉर असेसमेंट, सो फर्स्ट पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, बोट, यस, शिप, yes, so C is the right option, both A and B. The place where goods are loaded and unloaded on a ship, अब ship कहाँ रुकती है सामान उठाने और वापस unload करने के लिए, port पे, so C is the correct option. Camels are the best means of transport, कहाँ पे use होते हैं camel, plains में, desert में या hill में, yes, deserts में. Liner is an example of road, air या water transport,
liner is an example of water transport. Now state true or false. People move from one place to another अपने foot पे पुराने जमाने में true ऐसे ही होता था. Now metro is an underground train system true. We cannot travel by a ship to another country false. We can travel. Trains runs very slow false. Train काफी तेज चलती है. Air transport is the fastest and costliest means of transport. True. Now, C part. Fill in the blanks. People started using bullock carts after the discovery of bullock carts. में क्या use होते हैं? पहिए. तो wheel की invention के बाद उन्होंने bullock carts या horse carriages use करना शुरू कर दिया. Trams run on कौन सी city में? Kolkata. Now, traveling by sea takes a dash time. कितना time लेती है? Long time. A dash flies without an engine. बिना engine के glider fly करता है. Cycle and rickshaw में क्या नहीं होता? Engine. It do not have engine. Physical effort से उसे चलाना पड़ता है. Come to next page. Time for matching. Here you see the pictures of different types of transport and here you see the name of transport. Now let's just match them. What is this? This is metro. तो मेट्रो क्या हुई आपकी? अंडरग्राउंड ट्रेन. नाउ द नेक्स्ट इज योर शिप. शिप कहाँ चलता है? पानी में. सो दिस इज योर वाटर ट्रांसपोर्ट. नाउ यू सी दिस एरोप्लेन और ग्लाइडर. यू कैन सी दिस मूव्स इन द एयर. सो दिस इज योर एयर ट्रांसपोर्ट. नाउ यू सी द कार विच मूव्स ऑन रोड. सो दिस इज योर रोड ट्रांसपोर्ट. नाउ यू सी दिस कैमल विच इज द शिप ऑफ द डेजर्ट. सो ये कहाँ होता है? डेजर्ट में. नाउ एनरिचमेंट टास्क. जॉइन द डॉट्स टू फिल अ हाउस टू फाइंड अ हाउस दैट फ्लोट्स ऑन वाटर. ठीक है, कौन सा हाउस है जो वाटर में फ्लोट करता है? आपको इसे कलर भी करना है. सो क्लास वी हैव डन विद द चैप्टर. मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन स्टे ट्यून्ड.